हेलो एंड वेलकम दोस्तों, तुहाडा सब दा स्वागत है तुहाडे अपने चैनल मैथड ऑफ मैथ दे विच। अज असीं लै के आए मैथ दे कुछ क्वेश्चन, जिन्हां विच पहला क्वेश्चन है कि ए बी विचकार 3 किलोमीटर की दौड़ है। ए बी नूं 80 सैकेंड का हैड स्टार्ट दिंदा है पर फिर भी उसनों 150 मीटर ना हराउंदा है। जदों हैड स्टार्ट नूं 100 सैकेंड तक बढ़ाया जाता है तो दोवें इको समय मंजिल ते पहुँच जाते हैं, तो ए दी गति कितनी है? कर दे क्वेश्चन ये, वो कहता 80 सैकेंड का हैड स्टार्ट दिता तो 150 मीटर ना हराया। जेकर हैड स्टार्ट 100 सैकेंड का होंदा तो वह दोवें इको टाइम मंजिल पर पहुँच जाते। मतलब जिहड़ा आ 150 है इहनू 20 सैकेंड कवर कर रहे ने बी दी स्पीड दे विच। ये बी दी स्पीड है तो बी दी स्पीड है कि 15/2 मीटर पर सैकेंड। हुण 80 सैकेंडा दे विच किन्नी कट रहा है? 15/2 × 80, 40 × 80 तो 15 × 60, 600 मीटर उन्हें इत्थे की कढ़ेता तो 150 मीटर इधर कढ़ता। टोटल उन्हें 750 मीटर कढ़िया, मतलब कि 3000 मीटर की दौड़ में वो 750 मीटर दौड़ घट दौड़िया। वो 750 मीटर दौड़ घट दौड़िया मतलब कि वह 2250 मीटर ही दौड़िया 3000 की जगह पर। तो उसकी स्पीड आप कढ़ी सी 15/2, तो 15 × 15 = 225 तो 150 × 300 मतलब टोटल 300 सैकेंड भज्जिया। जे बी 300 सैकेंड भज्जिया तो जहर जी गल है कि ए भी 300 सैकेंड भज्जिया 3000 मीटर की दूरी कवर करने लई 300 सैकेंड भज्जिया। ठीक है, तो 2 जीरो कट्टियां 10 30 30। हुण जिहड़ी ए दी स्पीड है वो 10 मीटर पर सैकेंड आ गई, 10 मीटर पर सैकेंड। हुण जो आप 10 मीटर पर सैकेंड नूं किलोमीटर चेंज करांगे, 10 मीटर पर सैकेंड किलोमीटर चेंज करांगे तो 18/5 लावांगे, 5 × 10 तो 18 × 36 अपना आंसर आजूगा। मीरा एक काम 8 घंटे में कर सकती है, दिव्या अते नीता मिलकर 6 घंटे करते हैं। मीरा 8 घंटे, दिव्या अते नीता मिलकर, दिव्या अते नीता मिलकर किन्ने 6 घंटे कर सकते हैं, जबकि मीरा अते नीता मिलकर इस 4 घंटे, मीरा अते नीता मिलकर 4 घंटे कर सकते हैं। 24 LCM ले लें, 8 × 3 = 24, 6 × 4 = 24 तो 6 × 4 = 24। ओके, दिव्या नूं यह करन विच किन्ना समय लगेगा, काम करन दे विच दिव्या नूं? ते एम यानी कि मीरा 3 घंटे च काम करती है तो 3 × 3 = 6, तो जिहड़ी नीता दी स्पीड है वह भी 3 दी है तो ही 6 बनते हैं। जे नीता दी 6 दी स्पीड है, सॉरी 3 दी स्पीड है नीता दी, तो दोवें नीता ते दिव्या रल के 4 बनाते हैं, तो दिव्या मतलब एक कुर्सी बनाती है तो ही 4 बनती है। नीता 3 बनाती है, 3 × 1 = 4, दिव्या दी एक आ गई, एक कुर्सी बनाउंदी है तो 24 × 24 = 24 घंटे उन्हें लगनगे। नैक्सट क्वेश्चन, एक दुकानदार 20 kg के हिसाब नाल चावल बेचता है, उसने 17 रुपए के हिसाब नाल खरीदे हैं, 20 रुपए के हिसाब नाल बेचता है, 1 kg की जगह 800 ग्राम जोकता है, 800 ग्राम जोकता है 1 kg की जगह पर,
मल्टीप्लाई करेंगे 136 तो इधर आ जाओ अपना 200 कितना बढ़ गया ये बढ़ गया अपना 64 64 बटा 136 मल्टीप्लाई करेंगे 100 नाल ये अपना 47.06 आ जाऊ डिवाइड करिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीनू रीनू और मीनू किसी काम को 8, 12, 16 दिन पूरा कर सकते हैं जेकर उन्होंने कुल 910 रुपये प्राप्त होंगे रीनू की मजदूरी पता करो 8, 12 ते 16 सीनू रीनू ते मीनू यदा एलसीएम ले लेंगे 48 ले लिया 8, 6, 48 12, 24, 48 ते 16, 3, 48 तो ये उन्होंने काम वाले रेशो आ गए 6, 4, 10 ते 3, 13 तो 910 ना बटा रखा 13 दे कि मजदूरी पूछ गई रीनू की रीनू की 4 तो 13, 7, 91, 70, 7, 4, 28, 280 रुपये रीनू की मजदूरी आ गई। तो नैक्सट क्वेश्चन है कि 12% की छूट तो एक वाशिंग मशीन की विक्री कीमत 15,000 रुपये है जो 12 की थ 25% की छूट दी जाए तो विक्री कीमत की होगी मतलब जो 15,000 है ये 100 के 12 घटा दिए तो यह है 88% की वैल्यू है वो कहता 25% की छूट दी 75% की वैल्यू कढ लाँगे तो अपना 12,784.09 आंसर आऊगा कट के देख लियो। क्वेश्चन है कि प्रमोद और कुरेशी 2:3 में निवेश करके कारोबार शुरू कर देने जेकर उन्होंने अपने लाभ में भी इसे अनुपात साझा करने का फैसला किया तो दोवें हिस्सेदारों के शुद्ध लाभ का परसेंटेज कितना है टोटल कितना 5 पहले ने 5 के पिछे 2 हिस्से ले 100 20, 5, 100 पहले तो 40% तो दूजे का ऑफिशियली 60% निबड़ी गल। क्वेश्चन है कि पुलिस वाले 200 मीटर की दूरी तो देख के चोर 8 किलोमीटर प्रति हॉर की रफ्तार नाल दौड़ना शुरू करता है पुलिस वाला 9 किलोमीटर पर हॉर की स्पीड नाल पिछा करता है तो चोर फड़ाया जाता है चोर ने कितनी दूरी तय की सब तो पहला तो इन्हों का करो -9 ते 8 1 उपर लावे 200 ते चोर की दूरी कितनी है 8 गुणा कर दो 8 नाल 8 किलोमीटर पर हॉर 8 × 16 1600 मीटर जोड़ा चोरा हो भजया। क्वेश्चन है कि 6 साल 8,000 उत्ते X% प्रति साल की दर नाल साधारण ब्याज 4 साल 10,000 उत्ते 18 सालाना की दर नाल साधारण ब्याज के बराबर है तो X% की वैल्यू पता करनी है सब तो पहला पहले ब्याज कट लेंगे कितना बनता है 10,000 4 साल 18, 18 × 72 तो ब्याज बनता 7,200 रुपया वो मैं कटते पहले ही हूँ ठीक है 7,200 रुपया टोटल ब्याज बनता है तो 7,200 इज इक्वल टू 8,000 R% तो समा है गया 6 साल कटिंग कर दो जीरो देना कर दो 8×9 = 72 90 15×6 = 90 तो 15% वैल्यू आ गई। नैक्सट क्वेश्चन है कि हेठां दित्ते व्यंजकां का मुल पता करो व्यंजकां का मुल 15 दे विचों 8 कढ़ांगे आपां 7 ते 7 नूं गुणा करांगे आपां नहीं 7 × 9 53 12 9 108
प्लस 9 रखो, 7 नै 63, 63 ते 9 72। क्वेश्चन है कि एक फल विक्रेता को 200 किलोग्राम सेब हैं जिसका 21% उसने 12% लाभ से बेचता है, 21% 12% बाकी तो 4% हानि दे, 21% 12% तो बाकी तो 4% हानि दे बेचता है। जेकर उसको कुल लाभ 8% होता है तो 12% दे बेची गई सेबां की दसनी है, तो 12 दे विचों 8 गए 4, तो इधर 12 चार ती 12 तीन एक तीन तो एक चार, 200 किलो सेब बेचता है, चार ते पंजाह दूना 100, पंजाह आ गया, पंजाह नूं करांगे तीन नाल गुणा तो 150 के जी उसने 12% हानि 12% लाभ वाले बेचे। अज दे अपने क्वेश्चन इन्ने, कल फिर नवे क्वेश्चन नवी वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।